चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। महमूद, इस लड़की का नाम महमूद है। मैं एक्सरसाइज देख रहा हूँ मोमो। बड़ा अजीब नाम है मोमो। नहीं एक्सरसाइज, इस लड़की का नाम एक्सरसाइज नहीं है। फिर क्या है? क्या भी नहीं है। क्या भी नहीं है? अरे फिर इसे देख क्यों रहे? अरे भैया मुझे एक्सरसाइज करवा रही है। ये आपको एक्सरसाइज क्यों करवा रही है नईम? सच सच बता दें, आप इसे कब से जानते हैं? अरे हटो भाई, मुझे अपना वजन कम करने दो। ओ तो मैं कौन सी आपकी पीठ पे चढ़ के खड़ी हो गई हूँ जो आप कह रहे हैं हटो मोमो। मोमो? अच्छा जी, तो इसका नाम मोमो है। किसका नाम? इस बेहया लड़की का है। अरे मोमो तुम्हारा नाम है यार। आपने मुझे बेहया कहा है? तुम्हारी तरह तुम्हारी अकल भी मोटी है क्या? हाँ, तुम्हें भी रोज वर्जिश करनी चाहिए मोमो। वर्जिश करने से क्या होगा? वर्जिश करने से आदमी फिट रहता है। तो औरत तो फिट नहीं रहती ना। अब आदमी को फिट रखने के लिए मैं भला वर्जिश क्यों करूँ है? अरे यार जरा खुद को देखो। मैं प्यारी लग रही हूँ ना करीम? महमूद। मैं महमूद लग रही हूँ? अरे मोटी होती जा रही हो, दिन ब दिन भैंसा बनती जा रही हो। खबरदार जो मुझे मोटा कहा, मोटे होंगे आप। मैं तो बहुत वो हूँ। वो क्या? वही जो मैं हूँ। डीट? डीट नहीं, वो। अरे जाओ यार, मुझे तो दुबला होने दो। हाँ मैं बहुत दुबली हूँ मसहूद। महमूद, ये जो तुम हुई हो वो दुबली हो? हाँ जी हाँ। मुझे क्या पता महमूद साहब। अरे माँ जी ग्रिल में फंस गई हैं। हाँ बेटा वसीम जल्दी खोल, मेरा तो दम निकल रहा है। हाँ। माँ जी मैं कहाँ से खोलूं, आपके तो नट ही नजर नहीं आ रहे। चुप है, बट कहीं का, मुझे नहीं खोलना, इस ग्रिल को खोलना है। ओ हाँ 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 गुली। ओ महमूद साहब आप भी तो हाथ लगाएं यार। हाँ ये। ओ माँ जी को हाथ नहीं लगाना, ग्रिल को लगाएं यार। हाँ, इसको ना। और जोर लगाएं यार महमूद साहब। ये जो तुम मुझे और लगाने को कह रहे हो वो जोर है? जी मैंने पहले ही कहा था इस औरत को कि अपना वजन कम करे, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। भाई मैं और जान नहीं लगा सकती अब। ओ माँ जी इस तरह बाहर नहीं निकलेंगी यार। फिर काटना पड़ेगा यार। माँ जी को? खबरदार जो मुझे काट के बाहर निकाला हो तो। हाँ माँ जी ग्रिल को काटना पड़ेगा। कैसे महमूद साहब? नहीं भाई मेरे दांत पहले ही बहुत कमजोर है। अरे किसी ग्रिल काटने वाले को लेके आए महमूद साहब। अरे कहां से लेके आऊं, आज इतवार है, सारी दुकानें बंद हैं। अब क्या करें? मेरा ख्याल है आराम से बैठकर सोचते हैं। हाँ ये ठीक है ना। हाँ ठीक है चल। आए आए फरीद, अब मुझे कल्ला छोड़ के किधर जा रहे हो तुम लोग? फरीद
सोचो खूबसूरत, माँ जी को कैसे निकालें यार? घर से? ग्रिल से। आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल देखेंगे, शायद कोई ग्रिल काटने वाला मिल जाए। तो क्या महमूद साहब, मेरी माँ कल तक वहीं खड़ी रहेंगी यार? बेटा यजीद, मुझे पानी तो पिला दो मेरी जान। जाओ खूबसूरत, माँ जी को पानी पिलाओ यार। नहीं। क्यों नहीं? अरे उसे पानी पिलाओगी तो वो और फूल जाएगी और फंस जाएगी। महमूद साहब, हम लोग माँ जी को बेसन का पानी नहीं पिला रहे यार। नहीं नबील, महमूद साहब ठीक कह रहे हैं, हम माँ जी को कोई खाना या पानी नहीं देते, शायद शाम तक दुबली होके खुद ही निकल आए। चुप है, और मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी ला के दे। जाओ खूबसूरत, मोमो के गले पे ना थोड़ा सा पानी तराओ का हो। महमूद साहब, माँ है मेरी, कोई सब्जी नहीं है। सदीकी, सदीकी साहब, सदीकी साहब आ जाए ना, गाना भी सुन ले मुझे। तुम्हारी माँ गई। कैसी बातें कर रहे हैं, माँ जी तो यहाँ फंसी हुई है। अरे ये फंसी हुई है मगर इसकी रूह निकल गई है। क्या? माँ जी को रूह निकलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा? अरे अब इसे दफनाएंगे कैसे? माँ जी है? अरे माँ जी, आप तो जिंदा है। तो तू मेरे मरने का इंतजार कर रही थी रोजीना? खूबसूरत, तू खूबसूरत का इंतजार कर रही है? ओफ। बेटा रहीम, मुझे लैटरीन जाना है, तू मुझे जल्दी से निकाल। माँ जी चली जाएं, बाथरूम में कोई नहीं है। ओ पहले मुझे तो निकाल। माँ जी लेकिन आप तो यहाँ हैं। अरे मुझे निकाल, नहीं तो मैं। नहीं, महमूद साहब निकालें यार। अरे क्या? माँ जी को निकालें। हाँ माँ जी को निकाल। अरे ग्रिल, चोट तो नहीं लगी? थोड़ी मोटी हो गई हूँ। थोड़ी? हाँ। अरे मोमो रहने दो, तुम जैसी भी हो ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नहीं राशिद, मैंने सोच लिया है। महमूद? नहीं महमूद नहीं सोचा है, मैंने ना सोच लिया है, कल सवेरे उठते ही सबसे पहले मैं वो करूंगी। वो क्या? वो जो सुबह उठ के करते हैं। अच्छा अच्छा, कर लेना, बता क्यों रही हो? क्योंकि हम सब एक साथ वो करेंगे। सब एक साथ कैसे कर सकते हैं मोमो? मैंने कह दिया है ना इम्तियाज, सब एक साथ करेंगे तो बस करेंगे। अरे ये कोई वर्जिश थोड़ी है जो सब एक साथ करेंगे। हाँ वर्जिश, हम सब सुबह एक साथ वर्जिश करेंगे। हाँ अच्छा भाई, सुबह की सुबह देखी जाएगी, अभी तुम सो जाओ। हैं हाँ, वो फंस गई थी ना तो थक भी गई हूँ मैं। ओए ओए, अब माँ जी दरवाजे में फंस गई हैं क्या? चलो उठ के देखते हैं यार। उठो। क्या हुआ माँ जी? माँ जी आप इतना तैयार होके इस वक्त कहाँ जा रही हैं? मैंने भागना है। किसके साथ? पैरों के साथ। अरे किसके पैरों के साथ? ओहो, अपने पैरों के साथ जमशेद। माँ जी आपने अपने पैर हमारे पास रखवाए थे जो हमें जगा दिया यार। चुप है। तुम लोग मेरे साथ वो करने चलोगे? वो क्या? वही जो पार्क में सारे मर्द और औरतें करते हैं। माँ जी उसके लिए पार्क जाने की क्या जरूरत है, वो तो हम घर पे भी कर सकते हैं, क्यों खूबसूरत? चल अब नबील, चलो नींद से जागो। हाँ जागो, जॉगिंग,
तुम लोग मेरे साथ जॉगिंग करने चलोगे? हाँ मोमो, रात के 3 बज रहे हैं, सुबह चलेंगे। हाँ तो आते आते सुबह हो जानी है। क्या मतलब? कायदे आजम का मजार कोई इधर रखा है जी? हाँ जाओ शाबाश, अपने अपने कमरों में कपड़े बदल के आओ, जल्दी करो शाबाश। नहीं यार महमूद साहब, कपड़े बदले मुसरे शही न बने। शाबाश। मेरे तो जूतों से धुआं निकल रहा है यार। तुमने जूते से सिगरेट बुझाने की कोशिश की होगी। अच्छी की तो बड़ी हिम्मत है यार, मेरी तो जूती टूटने वाली हो गई है। बस 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 रोक दे इधर, और रोक उस्ताद शेर खान। चल बस, थैंक यू, ओके चल। हाँ खूबसूरत, मेरे लिए नाश्ते में पराठे और लस्सी बना लो। हाँ, बड़ी कमजोरी फील हो रही है। खबरदार इस घर में जो आज के बाद किसी ने परोठों का नाम लिया हो। हाँ क्यों माँ जी? क्योंकि आज के बाद हम सब फाइट करेंगे। हाँ डाइट। हाँ 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 डाइट करेंगे। नाश्ता नहीं करेंगे? नाश्ते में सिर्फ वो खाएंगे। हाँ वो क्या? वही जो घोड़े खाते हैं। घास? महमूद साहब, घास तो गधे भी खाते हैं यार। चुप कर गधे, आज के बाद हम वो उबाल कर खाएंगे। घोड़ा? माँ जी हम घोड़ा किस तरह उबालेंगे? महमूद साहब, मेरे तो आप चने पड़वा लें यार। हाँ हाँ चने, आज के बाद नाश्ते में हम चने उबाल कर खाएंगे बस। क्या मोमो? एक दो तीन। मोमो डाइटिंग वाइटिंग सब फजूल चीजें हैं। इससे कुछ नहीं होगा माँ जी। आप देखिएगा जवेद अख्तर, मैं ना आपको वो बन के दिखाऊंगी। महमूद? नहीं महमूद नहीं, वो। वो कौन? सैफ की गर्लफ्रेंड। आप सैफ की गर्लफ्रेंड बनेंगी? हाँ। अरे तो फिर मेरा क्या होगा कालिया? आप करीना के बॉयफ्रेंड बन जाइएगा यार। हाँ हाँ करीना, मैं आपको करीना बन के दिखाऊंगी। हाँ माँ जी, ये चने जादू के? कौन जादू? तुम लोग देखना सारे, मैं अपना साइज ना जीरो करके दिखाऊंगी। माँ जी आपका साइज अभी भी जीरो ही है। यार ये क्या बकवास है? माँ जी ने कहा यही बनेगा। ये है क्या दोपहर का खाना? तो पकाओ ना यार। पकेगा नहीं, ऐसे ही खाना होगा। क्या? जी हाँ, माँ जी का हुक्म है। 12 यार महमूद साहब, हम ये घास भूस खा के यार कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। तुम्हारी माँ हमें यही बनाना चाह रही है नबील। यार माँ जी ने जो खाना है खाएं यार, हमें तो खाने देना है यार। भाई अब घर में तो यही चीज है, या तो ये खाना होगा या भूखा रहना होगा। यार नबील, ये मोमो 13वें चक्कर के लिए आई नहीं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। ए काले संगारे जे। ओ महमूद साहब, माँ जी को होश में लाए, सब्जी ना बेचे। माँ जी मोमो मोमो, अब होश आएगी माँ जी को। मोमो ए मोमो ओ,
मैं और भोजन नहीं खा सकता पारो, मुझे गोश्त खाना है, मुझे निहारी खानी है। मोमो मोमो ये मोमो कहाँ चली? मोमो मोमो अरे कहाँ चली थी मोमो? आधी रात को क्या कर रही हो? मैं वो कर रही हूँ रियाज। अरे ये कौन सा रियाज है? रियाज तो मैं आपको कह रही हूँ याज। अरे मेरा नाम महमूद है मोमो। हाँ महमूद, मैं वो कर रही हूँ। अरे दफा करो यार। आपको? इस वर्जिश को। हाँ याद आ गया। अरे इस वक्त कौन याद आ गया? मैं वर्जिश कर रही हूँ फियाज। महमूद। महमूद नहीं वर्जिश। रात के 2:30 बजे चले, आप अब उठ गए तो हम सदर का चक्कर ना लगा ले। तुम सदर साहब से मिलाओ, मैं जरा वजीर आजम से मिल लूं। अच्छा कहते क्यों नहीं यार? अरे कैसे कहूं यार, सारी रात तो वो लॉन में जॉगिंग करती रहती है। यार महमूद साहब मां जी को रोकें। कहीं जा रही है वो? वो नहीं, लेकिन मैं जरूर चली जाऊंगी अगर यही सब कुछ खाने को मिला तो। मैं नहीं रोकूंगा। मैं आपके रोकने से रुकूंगी भी नहीं। अरे मैं तुम्हारी नहीं मोमो की बात कर रहा हूँ भाई। महमूद साहब प्लीज यार कोई आइडिया सोचे, कितने दिन हो गए मैंने गोश्त देखा भी नहीं है। चल झूठा। महमूद साहब एक आइडिया है। गोश्त देखने का? नहीं यार, माँ जी की डाइट छुड़वाने का। वो क्या भाई? देखो हम माँ जी को किसी तरह ये यकीन दिलाते हैं कि वो दुबली हो गई हैं। उसका चश्मा छुपा देते हैं। ओह उसकी जरूरत नहीं है, बस उन्हें ये कहना है कि आप दुबली हो गई हैं, बस। हाँ ये ठीक है। आबल आबल मैं जरा वॉक पर जा रही हूँ, आप भी चले ना मेरे साथ। महमूद। हाँ महमूद को भी बशक ले लेते। माँ जी ये महमूद है आपकी शौहर। ये मेरे शौहर? हाँ जी। माँ जी आप चेंज तो कर ले। शोहर? नहीं माँ जी कपड़े। क्यों? ये खुद अपने कपड़े चेंज नहीं कर सकते। जी आप पार्क जा रही हैं, कपड़े चेंज करेंगे तो बहुत लूज हैं। क्या ये कपड़े लूज हो गए? हाँ तो और क्या माँ जी, क्यों महमूद साहब? हाँ हो गए। ये तो पहले बड़े टाइट थे। क्यों अब टाइट नहीं हूँ मैं? क्या मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ। इसका मतलब है माँ जी दुबली हो गई है। हैं? हाँ माँ जी आप तो वाकई बहुत दुबली हो गई है। अभी पता चल जाएगा। तू इधर आ फिरदौस। खूबसूरत। हाँ हाँ मेरी तारीफें बाद में कर लेना, पहले इधर आ। लें जी आप बताएं कि हम दोनों में से दुबली कौन है, ये या मैं? बताएं शरीफ, आप बताएं। हैं महमूद। महमूद ज्यादा दुबला है? अरे नहीं तुम दुबली हो भाई। क्या? हाँ माँ जी ये तो आपके बराबर में खड़ी हुई भैंस लग रही है। शाबाश, इसका मतलब है मेरा वजन वाकई कम हो गया है। हाँ अब तुम्हें डाइट की कोई जरूरत नहीं है। चल परवीन निहारी चढ़ा दे दोपहर के खाने के लिए। क्या? हाँ 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 माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज दोपहर के खाने में निहारी ही बनाओ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं सर अपने लिए नए कपड़े खरीद के ले आऊ ना, तो पुराने तो सारे लूज हो गए होंगे। हाँ जाए जाए जाए। ठीक है।
महमूद साहब, अगर माँ जी को निकाला तो तुम्हारा डाइट पे जाना पड़ेगा। हाँ खूबसूरत, तुम आज निहारी चढ़ाओ, निहारी खा के निकालते। ओए आ जाओ निकाल लो मुझे। चुप है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। यार बबल फुलाए चलता जा, कोई